हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सरदार जी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक है कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के डीफ्रॉस्ट सिस्टम में फॉल्ट कैसे निकालें, कैसे पता करें भी टाइमर ख़राब है, बायोमेटल थर्मोस्टेट ख़राब है, हीटर ख़राब है। तो उसको चेक करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि जो नीचे वाले कंपार्टमेंट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही, ऊपर वाले में हल्की हल्की कूलिंग हो रही है। ऐसा तब होता है जब वेपोरेटर पे फ्रॉस्ट जम जाती है और रेफ्रिजरेटर में एयर सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाती प्रॉपर से, तब ऐसी कंप्लेंट आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टाइमर को चेक करेंगे। मैंने टाइमर बाहर निकाल लिया है और रेफ्रिजरेटर को ऑन कर लिया है। एम्पियर मीटर को लगा के रखा हुआ है और कंप्रेसर है जो रनिंग पे है, 0.5 एम्पियर ले रहा है। अब हम वर्किंग में ही टाइमर को चेक करेंगे, उसकी नॉब को घुमाकर डीफ्रॉस्ट में डालेंगे। जब भी टिक की आवाज़ आएगी तो डीफ्रॉस्ट में डाल जाएगा, तब देखेंगे भी हीटर ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है। अभी क्या है, कंप्रेसर ऑफ हो गया है लेकिन जो है फिर भी 0.4 एम्पीयर ले रहा है, मतलब हीटर है जो ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब है भी हीटर सही है, हमारा वर्किंग में है, लेकिन क्या है टाइमर है वो साइकिल पूरा नहीं कर रहा। तो उसको चेक करने के लिए हम टाइमर को चेक करेंगे भी वाइब्रेशन हो रही है उसकी, मोटर की वाइब्रेशन जो नहीं हो रही, मतलब मोटर है जो वर्किंग में नहीं है। अब मोटर को सप्लाई आ रही है जी, हम चेक करेंगे भी टाइमर की मोटर को सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, न्यूट्रल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फेस तो मिल ही रहा था तभी तो कंप्रेसर ऑन हो रहा था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइमर के 3 नंबर पॉइंट पे और न्यूट्रल वायर को सप्लाई चेक करेंगे उसमें लगाकर। के 3 नंबर पे फेस इनपुट होता है, 4 नंबर पे जो है कंप्रेसर को सप्लाई जाती है और 2 नंबर पे होता है जो हीटर को सप्लाई जाती है और 1 नंबर जो होता है उसे मोटर को न्यूट्रल दी होती है। हम क्या मैंने 3 नंबर और मोटर के न्यूट्रल में सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई मैंने ऑफ कर दी थी, अभी क्या बाद में ऑन करके देखेंगे जहाँ पे वोल्टेज आ रही है। जेकर वोल्टेज आ रही है तो क्या है टाइमर को सप्लाई तो पहुँच रही है लेकिन उसकी मोटर वर्किंग में नहीं, तो टाइमर ख़राब है। फिर भी हम ऊपर वाला कंपार्टमेंट खोल के चेक कर लेंगे भी वहाँ पे आइस जमी हुई है, और साथ के साथ बायोमेटल थर्मोस्टेट और थर्मल फ्यूज को कैसे चेक करते हैं वो भी दिखाएंगे। अभी क्या मैंने सप्लाई ऑन की तो देख लो सप्लाई जो है यहाँ पर आ रही है, 249 वोल्ट आ रही है, मतलब टाइमर को सप्लाई तो आ रही है लेकिन टाइमर की जो मोटर वर्किंग नहीं है तो टाइमर में फॉल्ट है। वेपोरेटर के कवर को मैंने गर्म पानी डाल के हल्का सा अलग कर लिया था, ज़्यादा पानी गर्म नहीं डालना क्यों करके आइस मेल्ट हो जाएगी तो हम बायोमेटल थर्मोस्टेट को चेक नहीं कर पाएंगे। जो उसका जो थर्मोस्टेट है उसका कटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे -5 में वो ऑन होती है, +10 डिग्री सेल्सियस में ऑफ होती है। अभी उसको ही चेक करेंगे, उसका जेक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसमें जो ब्राउन और ऑरेंज वायर हैं वो बायोमेटल थर्मोस्टेट की हैं और ब्लू और रेड वायर है वो थर्मल फ्यूज की हैं। उसको कॉन्टीन्यूटी की सहायता से चेक करेंगे बीप का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बायोमेटल थर्मोस्टेट हमारी ओके है, ऑन हो रही है, -5 पे टेम्परेचर भी है और थर्मल फ्यूज को भी चेक कर लेंगे, कॉन्टीन्यूटी बीप का साइन आना चाहिए तो थर्मल फ्यूज भी हमारा ओके है। अभी हीटर को चेक करेंगे। हीटर को चेक करने के लिए पहले क्लाइमेटर को हमें ओम पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो मेगा ओम पे सेलेक्ट कर लिया, ऑटो में है जो किलो ओम या ओम में रेजिस्टेंस आती है जो 500-600 के आसपास होगी। अभी क्या हीटर के जेक को चेक किया तो इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 599 रेजिस्टेंस आ रही है। जो हीटर भी है हमारा ओके है, इसका मतलब है जो हमारा डिफ्रॉस्टिंग हीटर बायोमेटल सब ओके हैं। टाइमर में फॉल्ट था तो टाइमर को हम चेंज कर देंगे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।